हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट फ्रांत। तो दोस्तों, फाइनली गेमिंग न्यूज़ #54 आ गया आपके लिए और इस वीडियो में भी आपको बहुत सारे गेम्स के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो है ना यार पता चलेगा कि जो ये 2023 है वो गेमिंग ईयर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक एकदम ध्यान से देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जल्दी से कर दो लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो आप लोग को बोलूंगा कि इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो अभी के बेस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी देता हूँ यार फायदे में जरूर से रहोगे। तो चलिएगा, अब शुरू करते हैं हमारा आज का गेमिंग न्यूज़ 54। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कम्युनिटी पोल का। इसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई क्या आज की तारीख में 2D 3D के गेम्स आप लोग खेलते हो क्या। तो रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यार सच में जो है ना यार दोस्तों, वो टाइम बहुत ज़्यादा कमाल का था यार। मतलब 2011, 12, 13, 14, 15 उस टाइम पे कोई भी गेम आता था ना यार मोबाइल के अंदर, वो यार अपने को इतना कमाल का लगता था कि मतलब क्या कमाल की चीज़ आ गई है कि नहीं। और आज आप लोग देख लो 10 सालों के बाद में, अब अगर किसी भी गेम के अंदर ग्राफिक्स में थोड़ी सी भी कंजूसी डेवलपर करते हैं या थोड़ा सा भी जो है वो यहाँ पे कमी रह जाती है उसके ग्राफिक्स में, तो यार वो गेम जो है वो फ्लॉप हो जाता है। अपने को इतने गजब के जो है वो रियलिस्टिक गेम जो है वो चाहिए अभी। तो इतना ज़्यादा जो है दोस्तों अभी फ़र्क आ चुका है 10 सालों के अंदर गेमिंग की दुनिया में, लोगों में भी फ़र्क आ गया है और यहाँ पर जो गेम डेवलपर्स है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है यहाँ पर हो चुका है। और वो टाइम जो है ना दोस्तों, एक तरीके से कमाल का इस वजह से भी था क्योंकि जब अपने हाथ में नए नए मोबाइल फ़ोन्स आने शुरू हुए थे तो उस टाइम के ऊपर गेम्स भी लाखों आते थे। एक साल के अंदर इतने ज़्यादा गेम्स आते थे और आज आप लोग देख सकते हो ना के बराबर गेम्स आने लग गए हैं। पूरा सिनेरियो जो है ना दोस्तों उल्टा पलट हो चुका है, पूरा ही यहाँ पर जो है वो गेम बदल सा गया यार। सब कुछ एक तरीके से जो है वो ख़त्म सा हो गया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो इन 10 सालों के अंदर, है कि नहीं। तो खैर, मैंने आप लोग को ये बात बताई, यहाँ पे डिफरेंस आप लोग देख सकते हो 10 साल में कितना बड़ा यहाँ पे हुआ है गेमिंग की दुनिया में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले गेम के न्यूज़ की। तो उसका नाम है अनडॉन। अभी आपको पता था कि अनडॉन का बीटा वर्जन जो है इसके डेवलपर ने आपको खेलने के लिए दिया था, और अब आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो यहाँ पे कि इसका बीटा वर्जन कल के दिन ख़त्म कर दिया गया है। 6 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच आपको मतलब 10 दिन के लिए खेलने के लिए मिला। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ कि जितना भी गेम आप लोगों ने खेला, जो कुछ भी इस गेम के अंदर किया, अब इसका जो नया बीटा वर्जन आएगा ना तो उसमें पूरा के पूरा नया देखने के लिए मिलेगा आपको। आपका ये जो डेटा है वो पूरा के पूरा वाइप्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाने वाला है। कुछ भी आपको बचा हुआ देखने के लिए मिलेगा नहीं, सब कुछ नया होगा नए बीटा वर्जन के अंदर। अब आप पूछेंगे कि कब आएगा नया बीटा वर्जन, तो ये आएगा मोस्टली अब जून के आसपास या फिर सेकेंड हाफ 2023 के अंदर, ठीक है। और डेवलपर ने यहाँ पे बोला भी है ट्वीट वगैरह करके, उनके ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह के ऊपर जो न्यूज़ चलते रहते हैं वहाँ पे भी आया हुआ है कि जल्द से जल्द जो है वो नया बीटा वर्जन आएगा और अभी जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स और ज़्यादा इस गेम के अंदर होंगे। और ग्लोबल वर्जन की अगर बात करूँ मैं तो मेरे को लग रहा है कि 2024 के अंदर इसका ग्लोबल वर्जन शायद अपने को देखने के लिए मिलेगा। 2023 में बहुत ज़्यादा कम चांसेस लग रहे हैं, देखते हैं भी कब आता है। मोस्टली फाइनल तरीके से वो जब भी जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी, ठीक है। दूसरे गेम की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि है यूबीसॉफ्ट की तरफ से आने वाला गेम और उसका नाम है रेनबो सिक्स मोबाइल। अब ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, इसको उन्होंने मार्च के अंदर रिलीज़ किया था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने सीधा बता दिया था कि नेक्स्ट मंथ के अंदर वो लोग जो है कोई ना कोई अपडेट देंगे। साथ ही साथ स्प्रिंग 2023 जो है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि भाई मार्च से लेकर के जून की 21 तारीख लास्ट होती है वो स्प्रिंग 2023 की, तो जून की 21 तारीख से पहले ये आपको बीटा वर्जन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। इस महीने के अंदर इसके अनाउंसमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन मई के अंदर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है रेनबो सिक्स के बीटा वर्जन के अंदर रिलीज़ होने के, नया वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ग्लोबल वर्जन भी इसका ज़्यादा दूर नहीं है, 2023 के अंदर ही आपको ये कंफर्म देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया बात आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा गेम भी जो है दोस्तों, वो भी अपना यूबीसॉफ्ट की तरफ से आने वाला गेम है और उसका नाम है द डिविजन रिसर्जेंस मोबाइल गेम, और उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो। ये 2 दिन पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर के आई है इसकी। खैर, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ इसका बीटा वर्जन आपको मिलेगा
2023 के सेकेंड हाफ पीरियड में। मोस्टली ये जो है ये जुलाई तक के आपको देखने के लिए मिलेगा। जुलाई में आपको याद होगा पिछले साल भी जो है वो आपको गेम देखने के लिए मिले थे यूबीसॉफ्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा, और अभी इस साल भी सेम काम यहाँ पे होने वाला है। जुलाई के अंदर अगस्त के अंदर आपको देखने के लिए इस गेम का नया बीटा वर्जन जो है वो मिलेगा, और ये गेम काफ़ी ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसको पॉपुलरिटी तो मिली थी जब ये इसका नया बीटा वर्जन आया था फर्स्ट वाला, और अभी भी आप लोग इसका इंतज़ार तो कर ही रहे होंगे। और ग्लोबल वर्जन जो है यार ये देखो 2024 में आएगा, क्लियर मैं आपको बोल देता हूँ आज ही, ठीक है। अब एक और एक गेम है जिसका इंतज़ार लोग यहाँ पे कर रहे हैं और उसका नाम है Assassin's Creed मोबाइल, जो Ubisoft ने अनाउंस करके दिखाया था अपने को कि उसका जो कोड नेम है वो होने वाला है जेट, ठीक है। तो वो गेम जो है ना दोस्तों 2023 के सेकेंड हाफ में तो आपको मिलेगा, लेकिन बीटा वर्जन में मिलेगा, और उसके चांसेस जो है वो 100% है। दूसरी चीज़ कि इसका जो ग्लोबल वर्जन है वो भी आपको 2024 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप लोग सुन सकते हो अभी तक के कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मोस्टली जो गेम है वो 2024 में डिले किए जा रहे हैं, समझ गए आप लोग। तो 2023 का जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग के अंदर के गेमिंग ईयर होगा या नहीं होगा, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि कितना गेमिंग ईयर ये होने वाला है और कितना नहीं होने वाला है, अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। तो ये जो गेम मैंने आपको बताया डिविजन रिसर्जेंस, ये भी 2024 के अंदर आएगा। Assassin's Creed का जो कोड नेम जेड है ये जो आने वाला है यूबीसॉफ्ट की तरफ से, ये भी ग्लोबल वर्जन में आपको 2024 में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो न्यूज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और उसमें जो गेम है वो आपको 2023 के अंदर ही देखने के लिए मिल जाने वाला। स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये टैप टैप का स्क्रीनशॉट है, और इसमें सबसे पहले ऊपर में आप लोग देख सकते हो कि ये जो DMC मोबाइल गेम है ना इंग्लिश वर्जन में, ये आपको देखने के लिए मिलेगा 2023 में ही ग्लोबल वर्जन के अंदर। इंग्लिश बीटा का ग्लोबल वर्जन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाने वाला, इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। और एक गेम आने वाला है 2023 के अंदर ही, उसका भी ग्लोबल वर्जन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल। और ऑलरेडी उसका जो बीटा वर्जन है वो तो चल ही रहा है, उसके अंदर सीज़न 3 भी आप लोगों ने जो है वो एंजॉय किया होगा, काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स के साथ में ये गेम है। दूसरी चीज़, इसका ग्लोबल वर्जन आपको मई या तो फिर सेकेंड हाफ में तो 100% मिलने वाला, उसमें कोई डिलेमेंट अब होने वाला नहीं है। ऑलरेडी इसका जो डेवलपमेंट है वो भी हो चुका है डेवलपर्स की तरफ से, एक्टिविजन की तरफ से, और अब फाइनली आपको ये देखने के लिए मिलेगा ग्लोबल वर्जन के अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इसके अगला बाद में जो गेम आपको बताने जा रहा हूँ वो 2024 में आएगा, क्लियर आपको बोल दे रहा हूँ। उसका नाम है वैलोरेंट मोबाइल गेम। भले ही बीटा वर्जन आपको 2023 के सेकेंड हाफ में मिलेगा, लेकिन ग्लोबल वर्जन आपको 2024 में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करने जा रहा हूँ मैं उस गेम की जिसका इंतज़ार हम सभी लोग पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। उसका नाम है GTA 4 का मोबाइल एडिशन। इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये है कि टेक्टो इंटरेक्टिव और जेंगा का जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, और उसके बाद में उन लोगों ने जो बोला है कि भाई वो अपने को मोबाइल के अंदर गेम्स देने वाले हैं और उसमें काफ़ी सारे गेम्स आने वाले, तो क्या उसमें GTA 4 का नाम शामिल है या फिर नहीं है। और देखो, जब जेंगा के साथ में इनका पार्टनरशिप हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि भाई इन्होंने जो है वो बोला है कि जो बड़े बड़े PC के टाइटल्स है फेमस रॉकस्टार गेम्स के, और जो लोग इंतज़ार करते हैं गेम्स के, वो ये बनाने की कोशिश करेंगे, और जेंगा के साथ में जो है पार्टनरशिप करके यही जो है उनका प्लान था यहाँ पे। तो इसी वजह से लोग ये सोचते रहते कि भाई GTA 4 जो है वो बनाएगा क्या रॉकस्टार गेम्स, और टेक्टो इंटरेक्टिव जेंगा की तरफ से ही अपने को देखने के लिए मिलेंगे क्या। इवन मैंने भी आपको एक बार बोल दिया था कि जो गेम है वो आने वाले थे, क्योंकि जो इन लोगों ने बोली थी बात उसकी वजह से अपने को ये समझ रहा था कि भाई हाँ गेम आ सकता है मोबाइल के अंदर। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूँ यहाँ पे कि वो जो भी चीज़ है ना वो तो अभी भी है, लेकिन GTA 4 का मोबाइल एडिशन नहीं आएगा यार मोबाइल के अंदर, मैं आपको गारंटी के साथ में तो यार बोल ही सकता हूँ। देखो, बहुत ही मतलब एक तरीके से जो है ना यार ना के बराबर ही चांसेस है। आप लोग खुद देख लो यार, GTA ट्रायलॉजी मोबाइल नहीं आ रहा है अभी तक के, उसने दिया नहीं है रॉकस्टार गेम्स ने, तो वो GTA 4, GTA 5, GTA 6, GTA 7 कहाँ से देखा यार मोबाइल में। आप खुद ही सोचो यार, इतनी बुरी हालत हो चुकी है रॉकस्टार गेम्स की जब से वो हैक हुआ है, तो कहाँ से वो लोग गेम लॉन्च करेंगे। GTA 6 का भी जो वो बोल रहे हैं ना कि भाई 2024 में आएगा, उसके जो रेपुटेड मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई गेम हम आपको 2024 में देंगे, वो सब बोलने की बात है। अभी 2024 को आने में कितना टाइम बाकी है, आज अप्रैल 2023 चल रहा है यार,
अभी 2023 को ख़त्म होने में भी इतना लंबा समय बाकी है, और फिर 2024 आएगा, उस टाइम पे अलग बहाने वो लोग बनाएंगे, अलग कहानियाँ जो आपको सुनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेंगे गेम को, इतनी आसानी से कोई रिलीज़ नहीं करेगा। और मोबाइल के डेवलपर तो ये ऑलरेडी है नहीं, वो तो आपको पता ही है, तो जब वो मोबाइल का डेवलपर ही नहीं है रॉकस्टार गेम्स, तो क्यों ध्यान देगा यार। ये GTA ट्रायलॉजी तो जस्ट वो एक पैसा कमाने का जो है वो वहाँ पे एक प्लान है, और थोड़े से अच्छे ग्राफिक्स को उन लोगों ने कर दिया ओल्ड वाले गेम्स के मुकाबले में, बस वो एक सिंपल सी बात है। अब रही बात है GTA 4 जैसे बड़े बड़े गेम्स की, जो कितने पॉपुलर टाइटल्स है PC कंसोल्स के अंदर, वो थोड़ी बनाएगा यार मोबाइल में, और चलो बनाएगा भी तो वो बहुत ज़्यादा यार आपको टंगाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको क्लियर बोल रखा है, बिल्कुल उम्मीद मत रखो। GTA 4 तो यार एक तरीके से नहीं जाएगा, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सीधा मना कर दूंगा। अब आपको दूसरों की बात सुननी है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो चलिए अब अगले गेम की बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है गेम लॉफ्ट की तरफ से आने वाला गेम, जिसका नाम है गैंगस्टर न्यूयॉर्क मोबाइल। हाँ, ये जो गेम है ये बिल्कुल भी कैंसिल होने वाला नहीं है, और ना ही गेम लॉफ्ट वाले इसको जो है वो आपको देने से मना करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो उसका फर्स्ट वर्जन आया था अपने PC के लिए, जो आया था 2021 के अंदर, वो आपको क्लियर पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और आज भी आप लोग उसकी वजह से ही तो वेट कर रहे हो इस गेम का कि अभी मोबाइल में आने वाला है ये। तो इसी वजह से इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2023 के सेकेंड हाफ के अंदर कुछ इसका अनाउंसमेंट वगैरह आपको देखने के लिए मिल सकता है, या और दूसरी चीज़ मेन बात, गेम जो है वो 2024 या तो फिर 25 में ही रिलीज़ किया जाएगा। अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको क्या बोलूँ एक वर्ड में इसकी रिलीज़ डेट, तो मैं तो आपको सीधा बोल दूंगा 2025 है इसकी रिलीज़ डेट। ये मैं अपने प्रेडिक्शन से बोल रहा हूँ, मेरे को कोई गेम लॉफ्ट वाले ने आकर के नहीं बोला हुआ है, ठीक है, कि भाई कोई एम्प्लॉय आया उनका मेरे से मिलने, या मैं गया उनसे मिलने कि भाई जो है वो बताओ क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये बात नहीं है यहाँ पे, प्रेडिक्शन के तौर पे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 2025 मेरे को लग रही है इसकी रिलीज़ डेट मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, बाकी तो PC कंसोल्स के अंदर ये पहले आएगा, और 2023 के सेकेंड हाफ में कुछ आपको अनाउंसमेंट या गेम देखने के लिए शायद मिल जाए, और ग्लोबल वर्जन तो आपको 24 के अंदर ही मिलेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली गेम आएगा, कैंसिल बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त गेम को बनाने में मेहनत जो लगी है वो यार ऐसे ही थोड़ी वेस्ट होगी, और ऐसे ही थोड़ी ना गेम लॉफ्ट वाले उसको जाने देंगे। तो इस वजह से गेम आएगा, टेंशन लो मत, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे आपके फेवरेट गेम की, जिसका नाम है GTA ट्रायलॉजी का मोबाइल एडिशन। अब देखो, आज है मंडे 17 अप्रैल, आज तो मैं आपको इसके बारे में कुछ एकदम खास बता नहीं सकूंगा कुछ भी, लेकिन हाँ कल के दिन जो वीडियो आएगा ना 18 अप्रैल को ट्यूसडे के दिन, उसमें आपको मेन चीज़ें पता चलेगी इसके आगे की, यानी स्प्रिंग 2023 की जो रिलीज़ डेट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो टेक टू इंटरेक्टिव का इवेंट है उसकी भी डिटेल्स आपको मिलेगी। जस्ट इस वीडियो के अंदर गेमिंग न्यूज़ में आपको आज मैं आपको एक वर्ड में छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि भाई रिलीज़ डेट जो है वो है इसकी अब टेंटेटिव, यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर 2023 के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। टेंटेटिव का मतलब समझते हो ना, मतलब अभी कन्फर्म्ड नहीं है, वो सिर्फ बताया गया है कि इसके अंदर आएगा, क्योंकि उन्होंने स्प्रिंग 2023 जो है वो यहाँ पे डाल रखा है अपने इवेंट के अंदर, उन्होंने बता दिया था कि भैया स्प्रिंग 2023 के बाद के जो गेम्स है वो आपको देखने के लिए आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, और स्प्रिंग 2023 में यानी 21 जून 2023 से पहले सिर्फ एक गेम रिलीज़ होगा, उससे ज़्यादा कोई गेम रिलीज़ नहीं होने वाला, सारे के सारे सेकेंड हाफ में ढकल दिए गए, ठीक है। तो इसी वजह से GTA ट्रायलॉजी भी आपको उसके बाद ही देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया यहाँ पे एक ही वर्ड में उसकी रिलीज डेट, जो कि है टेंटेटिव, अपना जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच के अंदर। अब मई के अंदर जो इनका इवेंट होगा, और कल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। गेमिंग न्यूज़ 54 आपको काफ़ी कमाल का लगा होगा, सारे गेम्स मैंने कवर कर दी यहाँ पे जिनकी भी न्यूज़ आई थी। अब बचे कुछ जो बाकी के गेम्स है उनकी कोई न्यूज़ नहीं है क्लियर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो फालतू में उनकी बात करके कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब कर दिए। चलिए ऐसे मैं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।